हेलो फ्रेंड मैं एक बहुत अच्छी एक प्रॉब्लम लेके आया हूँ यूजिंग जावा समझने की कोशिश करते हैं तो प्रॉब्लम क्या है कि फाइंड द द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट कॉन्जिक्यूटिव कैरेक्टर इन ए गिवेन स्ट्रिंग यूजिंग जावा एट मीन्स ये बहुत एक नॉर्मल प्रॉब्लम है और सरल भी है बट इन टर्मिनोलॉजी ऑफ द इट्स इट बिट ट्रिकी फॉर एग्जाम्पल मैं बताना चाहता हूँ जैसे अगर हमारे पास ए ए बी 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 ए ए ए ए डी डी है एंड uh, एक और भी यहाँ पे जैसे अगर ऐड कर दें तो यहाँ पे अगर टोटल करेक्टर की बात की जाए तो ए और ए यानी ये टोटल सिक्स करेक्टर है ठीक है ये ज्यादा है बट यहाँ पे बी बी लिया जाएगा क्योंकि यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव तो यानी को कंसीडर किया जाएगा यानी b इज इक्व टू फाइव तो इसका सिंपल सॉल्यूशंस uh, क्या हो सकता था कि अगर हमारे पास a a b b b b है तो अगर इस और सी सी है तो इसको करेक्ट इसको सॉर्ट आउट करने के लिए क्या करना है पड़ेगा हमें है सबसे आसान तरीका है इसको आप एक एरे में कन्वर्ट कर दीजिए ठीक है इस तरीके से अगर लॉजिक की बात करें इस तरीके से सभी लोगों ने एर एरे से कन्वर्ट कर दिया ठीक है फिर हम लोग क्या कर सकते हैं भाई कन्वर्ट करने के बाद हम हमेशा ये ट्रैक करेंगे अगर I से I से I करेंगे और हम एक एलिमेंट ले ले रखेंगे हमेशा या फिर हम हमेशा ट्रैक करेंगे कि फॉर एग्जाम्पल आई इक्व टू जीरो से हमने कहा लेंथ तक पूरी लेंथ तक चले और आई प्लस प्लस तक चले ठीक है तो हम क्या करेंगे कि भैया हम हमेशा इफ कंडीशन से कंटे करेंगे कि a जब भी है ए ऑफ आई इज इक्वस्ट टू ए ऑफ आई प्लस वन ठीक है जब भी ये है तो हमारा एक टेम्परेरी काउंटर बढ़ता रहे जब भी है एक हमारा टेम्परेरी काउंटर को उसको हम लोग इंक्रीमेंट करते रहेंगे जैसे ये ए ए क्या हो गया इसकी लेंथ हो गई टू ठीक है अब जैसे ही ब्रेक होगा वो हमारा काउंटर जीरो हो जाएगा और फिर हम काउंट करेंगे बी इज इक्व टू वन वन टू थ्री फोर ठीक है तो ये क्या हो जाएगा टोटल फोर लेंथ का हो जाएगा फिर जैसे ही इसका कनेक्शन ब्रेक हुआ तो यानी फिर टेम्पररी काउंटर वैल्यू जीरो हाईएस्ट होगा केवल उसी की वैल्यू को हम लोग होल्ड कराएंगे राइट right? तो ये तो हो गई बाई यूजिंग नॉर्मल प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे हम लोग फॉर एक फॉर लूप ले लिया हमने फॉर uh, ठीक है 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 ना ठीक और हमने क्या कर लिया आई प्लस प्लस कर लिया ठीक है अब हम क्या करेंगे एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लेते हैं टीई एम पी टेम्प इज इक्व टू क्योंकि एक लाइन हमेशा वंथ होगी और हमने एक काउंटर और क्या कर लेंगे हम इसको एक स्ट्रिंग ले लेंगे या करेक्टर की वैल्यू ले लेंगे जो भी हमें होल्ड करानी है और हम एक टोटल काउंट लिया मैक्स वैल्यू ले, ले लेंगे ठीक है इंट मैक्स ले लेंगे ठीक है मैक्स मैक्स ठीक है अब हम क्या करेंगे इसके अंदर हम लेंगे इसके हम लोग क्या कर लेंगे इफ ठीक है इफ के अंदर हमने क्या लिया ए आर आर of of i is equals to AR of i plus वैल्यू को प्लस प्लस करते, करते रहें और जब इस तरीके से करने के बाद अगर हम जब भी हम एल्स पोर्शन में जाएंगे तो हम क्या लिख देंगे भैया पहले तो इफ मैक्स अगर छोटा है टेम्प से तो इसकी वैल्यू को वो क्या कर दिया जाए तो इसकी वैल्यू को रिप्लेस कर दिया जाए ठीक है टेम्प ऑफ मैक्स कर देंगे राइट और यदि ऐसा नहीं अगर और टेम्प की वैल्यू को वापस से हम वन से इनिशियलाइज कर देंगे और स्ट्रिंग में भी हम वो वैल्यू स्ट्रिंग जो हमने डिसाइड करी थी स्ट्रिंग एज इक्वल टू उसके भी हम करेक्टर की वैल्यू यहाँ से ए आर आर आई से वैल्यू ले लेंगे ठीक है ये नॉर्मल फ्लो है हमारा

stream stream में ऐसी कोई है नहीं कि जिसमें हमारा इंडेक्स है नेक्स्ट इंडेक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर ले तो ऐसा नहीं है बट वहां पे एक फंक्शन है जिसका नाम है रिड्यूस रिड्यूस तो उसमें हमेशा प्रायर होता है और नेक्स्ट होता है यानी सेकंड एलिमेंट होता है फिर बार-बार हम उसको जो उसका एक्युमुलेशन या कोई ऑपरेशन या जो भी हम रिटर्न करेंगे वो एज ए फर्स्ट एलिमेंट ट्रीट होगा और फिर उसके नेक्स्ट एलिमेंट नेक्स्ट एलिमेंट आते रहते हैं तो रिड्यूस फंक्शन के बारे में आप लोग पढ़िएगा थोड़ा सा तो आपको जानकारी मिलेगी वो कैसे वर्क करता है करेक्ट ओके okay. तो अभी हम वापस जाते हैं और इसके में हम लोग थोड़ा सा इसको मिनिमाइज कर दें ठीक है ये हमने फंक्शन लिया है और इसको हम एनोटेट भी करेंगे थोड़ा सा समझाने के लिए ठीक है यह हमारी स्ट्रिंग है ठीक है ये हमने एक और एक और और मैं स्ट्रीम की खास बताता हूं स्ट्रीम में कोई भी वेरिएबल लेके कोई भी वेरिएबल लेके आप उसको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो सिर्फ कौन सी वैल्यूज को कंसर्ड करता है इफेक्टिवली

बट लेकिन क्योंकि वो उस तरीके से काम नहीं कर सकता मतलब अगर हम काउंटर लेना चाहें ये चारे काउंटर अंदर इंक्रीमेंट करना चाहें तो वो स्ट्रीम में संभव नहीं है ठीक है अब मैंने क्या किया मैंने एक गेम खेल दिया कि भैया अब हम क्या करेंगे हमने ये तीन वेरिएबल ले लिए एक हमने क्लास के अंदर जिसको हम एक्सेसिबल कर पाएंगे पहले हमारे पास क्या थी हमारे पास स्ट्रिंग थी जिसको हमने कन्वर्ट कर दिया किस पे हमने कर दिया करेक्टर एरे पे ठीक है और हमने रिड्यूस फंक्शन कर दिया ये हमेशा करेंट करंट एलिमेंट है और ये हमेशा नेक्स्ट एलिमेंट है यानी करंट एलिमेंट और नेक्स्ट एलिमेंट और जो भी हम रिटर्न करेंगे हम हमेशा रिटर्न सी टू कर दे सी टू जो होगा हर बार घुस के सी वन पे आएगा यानी हर एक लूप पे घूम घूम के पहली बार आएगा अगर इसमें हम समेशन को ऑपरेशन कर देते हैं यानी जो भी रिटर्न करेंगे वो पहली बार को छोड़ के हमेशा सेकेंड टाइम थर्ड टाइम फोर्थ टाइम तो यानी वो वैल्यू अपडेट आती रहेगी तो हमने सिंपली कह दिया कि भाई अगर हमारा ये ए ए बी 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 सी सी डेस्ट जैस, जैसा भी आ रहा हो उसको हमेशा ए से स्टार्ट करो फिर सेकेंड एलिमेंट क्या होगा ए ए पास होगा फिर हमने ए रिटर्न कर दिया है तो इसमें ए आएगा फिर नेक्स्ट ए आएगा फिर इस तरीके से ए आएगा फिर बी uh, आएगा यानी हमारे पास हमेशा जैसा जो हम चाहते थे रिक्वायरमेंट वैसा ही होगा हमने सेम लॉजिक लगाया है कि अगर भैया हमारा सी वन और सी टू बराबर हो तो हमारे टेम्परेरी वेरिएबल को एक एक करके इंक्रीमेंट करते रहो किस वेरिएबल को इंक्रीमेंट करते रहो टेम्परेरी वेरिएबल को एक एक करके हमारा इंक्रीमेंट करते रहो और जब वो इंक्रीमेंट करते करते ये कंडीशन नॉमेट करे मान लो जब भी हमारा C1 वन इज नॉट इक्वी टू यानी हमारे कनेक्शन ब्रेक हो गया यानी हमें कोई दूसरा एलिमेंट मिल गया है अब तो यानी अब इसकी हमें जरूरत नहीं है अब हमें होल्ड करना है मैक्सिमम वैल्यू को ठीक है तो जब भी ऐसा नहीं हो और हमारा टेम्परेरी वेरिएबल की वैल्यू ज्यादा हो टोटल से जो भी करंट वैल्यू टोटल है उससे ज्यादा हो तो उनको होल्ड करा दो यानी टोटल पे होल्ड करा दो और की वैल्यू को भी हम पिछले वाले करेक्टर वैल्यू को भी हम इस करेक्टर में होल्ड करा देंगे और यह प्रोसेस और इस टेम्पर वेरिएबल को फिर हमें रीसेट भी करना होगा वी हैव टू रीसेट क्या करना पड़ेगा रीसेट ठीक है इस तरीके के आधार पे ये सारी की सारी वैल्यूज मेटा डेटा पे हमारी स्टोर हो जाएंगी जब हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और इस तरीके से हम अचीव कर सकते हैं यूजिंग जावा जावा 1.8 It was a kind of question, क्योंकि हमारे पास कॉन्जिक्यूटिवट करतेउंट काँट, काँट कर लेते वो ईजी था बट ये थोड़ा सा ट्रिकी था मुझको भी थोड़ा सा टाइम लगा रिसर्च लगी इसको करने पे बट मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने इस वीडियो को या नॉलेज को यू, इन, आ, डेफिनेटली आपकी थोड़ी सी नॉलेज बढ़ी होगी इस चीज में और थैंक यू थैंक यूर वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो थैंक यू थैंक सलॉट